देखिए यहाँ से व्यू अच्छा है, ये एकेडमिक ब्लॉक हो गया पूरा, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये है BMS एजुकेशनल ट्रस्ट मैनेजमेंट फीस स्ट्रक्चर UG 23-24 का। ये एक साल का फीस है 10 लाख रुपये कंप्यूटर साइंस का। तो चलते हैं हॉस्टल में और वहाँ के मेस को देखेंगे, हॉस्टल को देखेंगे, असली मज़ा तो हॉस्टल में रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। तो आज बहुत ही स्पेशल वीडियो होने जा रहा है। आज हम जाने वाले हैं एक कॉलेज, हमारा एक सब्सक्राइबर है बिहार का, पटना का रहने वाला है, जिसको एडमिशन लेना है BMS कॉलेज में। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, बेंगलोर आप जानते हो एजुकेशन हब है और IT हब है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ टीचिंग प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। और जब आप यहाँ का कॉमेट का एग्ज़ाम देते हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज सेलेक्शन करने का मौका मिलता है और आप अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करते हो। लेकिन जब आपका कॉमेट में थोड़ा कम नंबर आता है या फिर पहले थोड़ा कम नंबर होता है तो आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना होता है, आपको कॉमेट के थ्रू एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो उसी के बारे में हम पता करने वाले हैं। आज हम BMS कॉलेज विजिट करेंगे, उसका रेटिंग अच्छा है, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और अगर हम बात करें और दूसरे कॉलेजेस की, जैसे RV कॉलेज, रमैया कॉलेज, तो ये टॉप के कॉलेजेस आते हैं। लेकिन इसमें ये परेशानी है कि आपको मैनेजमेंट से एडमिशन मिलेगा बहुत मुश्किल होती है, लेकिन डोनेशन काफ़ी हाई लगता है, जो कि हमारे जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले नहीं दे पाएंगे। तो हम जाने वाले हैं आज BMS कॉलेज, वहाँ पता करेंगे एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या डोनेशन लगता है। जैसे आपका जब कॉमेट में नंबर कम आता है, JEE में नंबर कम आता है या आपके परसेंटेज कम होते हैं आपके 12th में, तो उससे क्या होता है कि आप जो ब्रांच चाहते हो वो नहीं मिलता है। जैसे मेरे भाई को चाहिए CSE ब्रांच, जो हमारा सब्सक्राइबर है पटना वाला, उसको चाहिए CSE ब्रांच, लेकिन उसको मिल रहा है सिविल और मैकेनिकल दूसरे कॉलेजेस में, क्योंकि थोड़ा शायद JEE में कम है नंबर और कॉमेट के एग्ज़ाम में रैंकिंग थोड़ी कम है। तो आज हम जाके ये पता करेंगे कि CSE मिलेगा या नहीं वहाँ पे इस रैंक पे, और क्या प्रोसेस है, या फिर एक्स्ट्रा क्या पैसा लगेगा मैनेजमेंट सीट पे कि CSE मिल जाए। क्योंकि भाई आप जान रहे हो मैकेनिकल सिविल का हालत कितना ख़राब है, लेकिन CSE सबसे टॉप पे चल रहा है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हमने एडमिशन लिया था 2015 में, तो CSE एकदम लो लेवल पे था, उसकी फ़ीस कम थी, उसमें एडमिशन कम होते थे और सबसे लो लेवल पे था। सिविल मैकेनिकल हाई पे था, और हमें देखो आज हम सिविल मैकेनिकल करके कहाँ पे हैं और CSE वाले कहाँ हैं। अभी का जो लेवल है वो CSE का काफ़ी हाई है, फीस उसकी हाई है, क्लास में सीट नहीं बचती, खचाखच फुल होता है, और सिविल मैकेनिकल में कोई जाना नहीं चाह रहा है, फीस उसकी कम है। तो उन सब का आइडिया आपको भी होगा, डिटेल में बताएंगे सब कुछ, प्रोसेस पता करके क्या फीस लगने वाले हैं, कैसे एडमिशन होने वाला है और कितना ईयरली फीस है, क्या उसका हॉस्टल का चार्ज होता है, ये सब हम डिटेल देने वाले हैं। और ये भी पता करेंगे कि कॉमेट के थ्रू आते हैं तो उसमें कितना फीस लगता है, अगर मैनेजमेंट से जाते हैं तो उसमें कितना फीस लगता है, क्योंकि दोनों का फीस में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अगर कॉमेट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको बहुत कम फीस में ही आपको सीट मिल जाती है। तो अभी चलते हैं, और इस जिस भाई के लिए हम देखने के लिए जा रहे हैं, उसकी बहन यहाँ पढ़ी है PSS, अभी वो जॉब कर रही है, तो उन्हीं ने ही हमारा नंबर शेयर किया अपने भाई को कि जाओ इनसे बात करो, ये कॉलेज के बारे में बताएंगे। तो उनके लिए हम जा रहे हैं अभी कॉलेज चेक करने के लिए। ये देखिए हम पहुंच गए हैं कॉलेज, ये कॉलेज का गेट है, BMS कॉलेज ऑफ लॉ भी यहीं पे है। BMS के कई ब्रांचेज हैं, मैनेजमेंट का, लॉ का, आर्किटेक्ट का, सब अलग अलग है। ये देखिए सामने एक टेंपल है और जस्ट उसके अपोजिट में यहाँ कैंपस है कॉलेज का। अभी हम आ गए हैं BMS कॉलेज के अंदर, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ एडमिशन ब्लॉक है, तो हम चलेंगे एडमिशन ब्लॉक में, पता करेंगे। और ये गेट है जहाँ से हम अंदर आए हैं, बाकी का देखते हैं, एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो पता करके उसके बाद आपको बताएंगे कि अंदर जा सकते हैं कि नहीं।
विदाउट एडमिशन लिए। अगर जा सकते हैं तो हम आपको पूरा दिखाएंगे। आई थिंक भाई हम लोग लेट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने गार्ड से पता किया क्योंकि जो एडमिशन ऑफिस है वो क्लोज हो गया है, तो गार्ड ने बताया दूसरी बिल्डिंग में जाओ। फिर उसने पूछा किस स्ट्रीम के लिए एडमिशन चाहिए, मैंने उसको बोला CSE, तो वो बोला भाई एडमिशन क्लोज हो गया है CSE के लिए, फिर भी हम दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे और मिलेंगे। जो भी है पता करते हैं किस किस चीज़ का अभी एडमिशन बचा है और कौन सा क्लोज़ हो गया है और क्या प्रोसेस है। मान लो अभी नहीं अगर एडमिशन ले पा रहा है वो, तो कोई और लड़का होगा या आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पता होगा प्रोसेस, तो उसके लिए हम बात कर लेंगे चल के। अभी चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ प्लेग्राउंड है इनका, लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट, वो थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हम अंदर आ चुके हैं और कॉलेज की बिल्डिंग हम देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी खूबसूरत है। और ये इनका प्लेग्राउंड है, ये एकेडमिक ब्लॉक है, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है एकेडमिक ब्लॉक। देखो भाई अभी हम लोग कॉलेज के कैंपस में हैं, ये देखिए मेन जो बिल्डिंग है इनकी, और जो सामने दिख रहा है वो कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग है। यहाँ पे सब हर चीज़ का फैकल्टी अलग अलग है, कंप्यूटर का अलग, सिविल का, मैकेनिकल का, केमिस्ट्री का, सबका अलग अलग है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अलग लैब है, लैब बहुत बड़ी बड़ी है, अच्छी अच्छी लैब है, कैंटीन बहुत बड़ा सा है। ये देखिए मेन जो इनका ब्लॉक हो गया एकेडमिक ब्लॉक वो यहाँ है, सामने CSE ब्लॉक है वो भी बहुत अच्छा है। इधर देखिए क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई हमारी, लैब देख के, फील्ड देख के, ग्राउंड देख के, क्रिकेट देख के और कॉलेजेस देख के, स्टूडेंट्स देख के। चलते हैं अभी और भी प्रोसेस पता कर लेते हैं, फिर आपको फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे इनके मेडल्स हैं, ये स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो भी इनका मेडल है वो, और उस साइड भी है, बस मैं इतना दिखा रहा हूँ। अभी हम कॉलेज कैंपस के अंदर हैं, मेन जो इनका कॉलेज है एकेडमिक वाला उसके अंदर है। देखिए यहाँ से व्यू अच्छा है, ये एकेडमिक ब्लॉक हो गया पूरा, और वहीं मैं दिखा रहा हूँ आपको डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये है। देखिए भाई अभी हम एडमिशन डिपार्टमेंट में हैं और फीस का हमने पता किया है, तो किसी ने बताया कि यहाँ पे पूरा फीस डिटेल लगा हुआ है तो आप देख लो। ये है BMS एजुकेशनल ट्रस्ट मैनेजमेंट फीस स्ट्रक्चर UG 23-24 का है, सिविल का है 3 लाख पर ईयर, एक साल का है ये। सिर्फ एकेडमिक फ़ीस है, हॉस्टल का अलग से है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4,50,000, और आपको जानना है मैकेनिकल का 3,50,000, कंप्यूटर साइंस का 10 लाख है भाई, ये एक साल का फीस है 10 लाख रुपए कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे पॉज करके देख लो, मैं थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ आपको, ये फ़ीस है कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप नीचे जाते हो तो थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है, कम होता रहता है, लेकिन 7.5 लाख, 10 लाख। और अगर यही हम आर्किटेक्ट का बात करते हैं, आर्किटेक्चर के लिए सिविल इंजीनियरिंग 1.5 लाख, आर्किटेक्चरल बहुत सस्ता है, इवन कंप्यूटर साइंस में 6,50,000, ये भी ज़्यादा है। तो और अगर आपको PG का देखना है, MTech में किसी को एडमिशन लेना है तो MTech का फीस ये है भाई, ये देखिए, और ये आर्किटेक्ट के लिए है MTech, सॉरी आर्किटेक्ट के लिए नहीं, ये ब्रांचेस MCA BCA के लिए है। साइबर सिक्योरिटी में MTech कर सकते हो आप, MCA के लिए 3.5 लाख, MBA के लिए 3.5 लाख। अच्छा MBA भी है यहाँ पे, MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 75,000 हो गया, अब MTech साइबर सिक्योरिटी 1.25 लाख हो गया, 1,25,000। तो यहाँ पे एक न्यू कोर्स है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम जिसका 7.5 लाख रुपए है, ये न्यू कोर्स है, इस बार ऐड किया है इन्होंने 23-24 में। बाकी का देख लो भाई फीस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस, फीस देख के एक बार ज़रूर कमेंट करना आप और बताना हमें क्या आप इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर साइंस लेने के लिए इसमें। फीस देख रहे हैं अब हमें लगता है कि 1 लाख रुपये जो कोर्स का फीस लेता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। हाँ ये देखिए एक साल का है, और आप इंस्टीट्यूट में 1 लाख रुपये दे के बोलते हैं 100% मिलेगा कि नहीं प्लेसमेंट। तो भाई अभी अभी हमने आपको मैनेजमेंट के थ्रू फीस दिखाया है,
सिविल इंजीनियरिंग जो हमने किया है उसका 3 लाख फीस है पर ईयर, सिर्फ एकेडमिक फ़ीस है, हॉस्टल वॉस्टल का तो अलग, मेस वेस का आपका अलग लगेगा। और अगर आप वही कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10 लाख रुपये फ़ीस है पर ईयर एकेडमिक का। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद तुरंत जॉब लग जाती है, लेकिन सिविल और मैकेनिकल करने के बाद जॉब भी नहीं लगती, और जॉब भी लगती है तो 15,000-20,000-25,000-30,000 यही मिलेगा, उसमें फ्यूचर नहीं है, तो फीस भी डिफरेंस है। चलिए अब पता कर लेते हैं हम कि कॉमेट के थ्रू, जैसे कोई कॉमेट का एग्ज़ाम दिया है उसके थ्रू आता है एडमिशन लेता है तो क्या फ़ीस होता है उसके लिए। हमने मैनेजमेंट का दिखा दिया, एक बार कॉमेट का पता कर लेते हैं। कॉमेट का हमने सुना है कि हाफ से भी कम होता है। ये कट ऑफ है कॉमेट का, CET का 2022-2023 का है। तो अगर सिविल का आपका है इसमें एडमिशन लेना है तो टॉप 19,000 से 60,000 होना चाहिए CET का है। कॉमेट का दिया है आपने 14,000 से 34,000। यही अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो CET में 266 से 1257 रैंक होना चाहिए, और कॉमेट में आपका 3300 से 1400 रैंक होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, पॉज करके इसको देख सकते हो। ये कट ऑफ रैंक है इसका, कट ऑफ रैंक फॉर, लेकिन ये पिछले साल का है, इस साल का नहीं है, फाइनलाइज नहीं हुआ अभी, इस साल का फाइनलाइज नहीं हुआ है। और इसका जो फीस है फाइनलाइज तो हो गया होगा ना, तभी तो सीट भर गई। हो गया होगा, फी अभी अनाउंस, मतलब यहाँ पे नहीं लगा है। आप सोच लो ऐसा ही होगा कुछ, ये पिछले साल का लगा है यहाँ। मैनेजमेंट का सीट फुल हो गया है, ये सब का हो गया। अच्छा, कॉमेट का है, मैनेजमेंट का फुल हो गया है सीट। अब हम आ गए हैं कैंटीन के साइड, और ये साइड से पूरी बिल्डिंग भाई। देखो यहाँ पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, और कुछ नहीं, पैसा तो लगेगा लेकिन पढ़ाई में भी मज़ा आएगा। चलते हैं, कुछ समोसा वमोसा खाते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। ये कैंटीन एरिया है पूरा, BMSCE कैंटीन। ये देखिए बड़ी सी कैंटीन है, विद्यार्थी खाना स्नैक्स। देखिए ये कैंटीन है, और यहाँ हम ले रहे हैं वड़ा पाव। काफ़ी कुछ है, समोसा है, वड़ा पाव है, एक पफ है 20 रुपये का। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। साथ में हमने लिया है बटर फ्रूट। ये आ गया हमारा मिल्क शेक, ये आ गया हमारा वड़ा पाव जूस। कैसा साकिब, BMS का वड़ा पाव अच्छा है? जूस ट्राई करो थोड़ा, 10 लाख रुपए के बराबर है। जूस ट्राई करो थोड़ा शेक, अच्छा है। पूरी कैंटीन फुल है, शोर शराबा बहुत है इधर। अभी हम लोग कैंटीन से निकल के आए हैं, और यहाँ पे एक और हमें डिपार्टमेंट दिख गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये 3 डिपार्टमेंट का बिल्डिंग यहाँ है। चलिए वैसे हम हॉस्टल के साइड जाने, मिल गया है हॉस्टल। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, साइंस ब्लॉक हॉस्टल्स नीचे लिखा हुआ है। तो चलते हैं हॉस्टल में, और वहाँ के मेस को देखेंगे, हॉस्टल को देखेंगे, असली मज़ा तो हॉस्टल में रहता है। आ गए हैं हम लोग हॉस्टल के साइड, आप देख सकते हो ये हॉस्टल जो देख रहे हो, ये वाला, ये हॉस्टल 2 है। थोड़ा मैं आगे से भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं बैक साइड में हूँ, टहलते टहलते बैक आ गया, पूरा मैंने घूम लिया हूँ। और ये हॉस्टल 3 है, बहुत बड़ा है। ये देखो, ये भी बैक साइड से, इसको भी मैं थोड़ा फ्रंट से दिखाऊंगा। और उस साइड चले जाएंगे, रोड है बीच में, उस साइड हॉस्टल 1 है। तो उतना आगे हम नहीं जाएंगे, इतने में ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा अच्छा खासा कि कितना बड़ा इनका हॉस्टल है। ये देखिए हॉस्टल 2 की बिल्डिंग है ये, हॉस्टल 3 सबसे बड़ा है, मुझे लगता है सबसे नया यही बना है बाद में, और सबसे बड़ा यही है। इसकी पार्किंग भी खुद का है, पार्किंग भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि आप कितनी भी गाड़ी पार्क कर दो कम पड़ जाएगा। इसी में हॉस्टल्स के लिए एम्बुलेंस भी अवेलेबल है, हॉस्टल्स के लिए पर्सनल एम्बुलेंस रखा हुआ है। ये देखिए थोड़ा हम फ्रंट में आए हैं, ये हॉस्टल 3 है आपके सामने, ये भी फ्रंट नहीं है, ये भी साइड का एरिया है, और हम फ्रंट से देखेंगे, दिखा नहीं पाएंगे, फ्रंट में उतना जगह नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँगा। ये देखिए साइड से ही देख लो आप, पीछे से दिखाया, साइड से देख लो, ये हॉस्टल 3 है।
और यहाँ पे हॉस्टल टू है, इंटरनेशनल हॉस्टल टू। और सामने जो है वो है ग्राउंड, इनका पर्सनल ग्राउंड। तो ये था पूरा टूर BMS कॉलेज का। इसमें आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है, आर्किटेक्ट भी पढ़ सकते हो, लॉ करना है लॉ भी कर सकते हो, MBA भी था ना, MBA BCA MCA इंजीनियरिंग, MBBS भी था, MBBS का नहीं पता। अच्छा नहीं, MBBS नहीं था, होता तो उसका अलग ही होता है, इंजीनियरिंग में नहीं मिलाएगा। हाँ तो ये पूरा टूर हो गया, आई थिंक मैंने हमने कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ दिखा दिया ऑलमोस्ट। और जब आप रियल आके देखोगे ना तो वो एक अलग ही फीलिंग है, बहुत अच्छा है, मतलब इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है, पूरा पेड़ पौधा है, थोड़ा भी आवाज़ नहीं, बाहर की साउंड से एकदम दूर हो, ऐसा है कि भाई आप कॉलेज कैंपस में आ गए तो एक अलग ही दुनिया में हो, एकदम पढ़ाई का माहौल, खेल कूद का माहौल, और स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं कुछ पढ़ते हुए कुछ घूमते हुए। बीच शहर में, बेंगलोर सिटी के मिड में है ये, तो आप बीच शहर में रह के पढ़ाई कर लोगे, इतना बड़ा कॉलेज नहीं मिलता है बीच शहर में। तो मैं अगर बोलूँ, मैं मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूर इसमें एडमिशन लीजिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए अभी तो पूरा फुल अभी पता नहीं चल पाया है, एक बार और दिन में आकर के पता करेंगे कॉमेट के थ्रू कितना लगता है, क्योंकि कॉमेट का हमें नहीं पता चल पाया। हमने प्रिंसिपल सर से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी उसका फीस डिसाइड नहीं हुआ है, कुछ वो बोल रहे थे पिछली बार से 7% या 10% इंक्रीज हुआ है, तो वो अभी डिसाइडेड नहीं है कितना होगा। तो जो भी है, हम अगले वीडियो में फिर से आपको कॉमेट के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं, कट ऑफ कितना जाता है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको इसी टाइप का वीडियो हमारे शाही ब्लॉग चैनल पर दिखेगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए कॉलेज से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या बेंगलोर से रिलेटेड, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर लीजिए, DM कीजिएगा, 1-2 दिन के अंदर में रिप्लाई मिलेगा। और इस टाइप के कॉलेजेस के वीडियोस अब कंटिन्यूसली अब आना स्टार्ट होगा हमारे चैनल पे, क्योंकि कॉलेज में हम डेली तो नहीं जा सकते, बहुत बहुत दूर होता है कॉलेज पे, लेकिन हम कोशिश करें कि महीने में 1 या 2 लेकर के आए कॉलेज का वीडियो। हाँ तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ट्यून्ड रहना एकदम, जैसे ही आएगा देखोगे आपको पता चलेगा, हो सकता है इस साल नहीं अगले साल आपके घर में या आपके फ्रेंड को या आपको ही अगले साल एडमिशन लेना हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसका शक्ल देखो, एकदम थक के चूर हो गया है, एनर्जी लेवल एकदम डाउन है, पूरा घूम लिया है, बाइक चला के आया भी है, तो भाई इसका शक्ल ही देख के थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर देना, बहुत बेचारा देखो कितना मेहनत करता है। कोई भी आपको डाउट होगा, इंक्वायरी होगा, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हो, वहाँ पे हम आपको सारा आपका डाउट या जो भी हमने आज तक वीडियो बनाया उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो सब हम क्लियर कर देंगे। और अगर आपको अभी तो देखिए मैनेजमेंट का एडमिशन ख़त्म हो गया, अगले साल आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हो, हम वहाँ जाके इंफॉर्मेशन लेके इंक्वायरी करके आपके एडमिशन का इंतज़ाम कर सकते हैं ईज़िली। तो